अब हम अवधान की प्रक्रिया द्वारा हमारे द्वारा अध्ययन किए गए हमारा पर्यावरण का एक क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। अवधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा अध्ययन की गई जो भी पाठ्य वस्तु है उसको हम विभिन्न रंगों की रेखाओं का उपयोग करते हुए एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं ताकि वह जो अध्ययन है अधिक सरल बन जाए। हम जानते हैं हमारा पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर पाया जाने वाला आवरण जिसमें हम निवास कर रहे हैं। और हमारे पर्यावरण में विभिन्न कारक मौजूद रहते हैं, यह कह सकते हैं भौतिक कारक भी मौजूद रहते हैं तो जैविक कारक भी मौजूद रहते हैं। तो पर्यावरण में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदूषण के बारे में, प्रदूषक के बारे में कि प्रदूषक क्या होते हैं। प्रदूषक हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे अवांछित घटक हैं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या तो हमें या अन्य जीव जंतुओं को या फिर हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी को हम कहते हैं प्रदूषक। प्रदूषक जो होते हैं उन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है, एक तो है जैव विघटनीय प्रदूषक और दूसरे अन अपघटनीय प्रदूषक। जैव विघटनीय प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कि जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं जिसके कारण ये प्रदूषक धीरे धीरे प्रकृति में से या हमारे पर्यावरण में से समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम बात करें पौधे के विभिन्न अंश या जंतुओं के विभिन्न अंश या फिर जैसे कूड़ा है हमारे घरों से जो कूड़ा करकट निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ जितने भी होते हैं जैसे चाय की पत्ती आदि या सब्जियों के छिलके फलों के छिलके आदि मल मूत्र आदि, ये सब जैव विघटनीय प्रदूषक होते हैं, यानी ऐसे प्रदूषक हैं जिनको वातावरण में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित करके पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। यानी ये हमारे वातावरण में अगर बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तभी जाकर प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। प्रदूषकों की दूसरी श्रेणी में आते हैं अन अपघटनीय प्रदूषक। अन अपघटनीय प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कभी भी अपघटित नहीं किए जा सकते, यानी मानव की क्रियाकलापों के द्वारा जितने भी ऐसे उत्पाद होते हैं जैसे टीन डिब्बे आदि एल्यूमिनियम आदि के जो डिब्बे होते हैं, प्लास्टिक है, इसके अलावा लेड पारा और साथ ही साथ जितने भी कीटनाशक रसायन हम अपने घरों में या खेतों में इस्तेमाल में लेते हैं जैसे डीडीटी आदि, ये अन अपघटनीय प्रदूषक होते हैं। ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कि वातावरण में हमेशा पड़े रहते हैं, इनका अपघटन कभी भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये एकत्रित होते चले जाते हैं और हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रदूषकों के बारे में हम बात करते हैं पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या है? तो हम जानते हैं हमारे पर्यावरण में दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, खासतौर से यदि हम पारितंत्र की संरचना की बात करें तो पारितंत्र में दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जीव भी रहते हैं और अजीव भी। तो जीवों और अजीवों की आपसी क्रिया के फलस्वरूप निर्मित एक विशेष तंत्र मौजूद रहता है और उस तंत्र का नाम ही पारितंत्र, या ये कह सकते हैं जीव और अजीव मिलकर आपस में एक विशेष तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं पारितंत्र। यानी सबसे पहले हम अगर बात करें पारितंत्र की संरचना के बारे में तो पारितंत्र की संरचना में हम बात करते हैं दो घटक आते हैं, खास तौर से अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक का मतलब है पारितंत्र में पाए जाने वाले अजीव या निर्जीव पदार्थ, वे सभी अजैविक घटक के अंदर आते हैं। और अजैविक घटकों में जब हम नाम लेते हैं अजैविक यानी जीव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो जितने भी अजैविक घटक मौजूद है उनमें जैसे वातावरण में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है आदि विभिन्न गैसें, या फिर जैसे हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के तत्व, विभिन्न प्रकार के तत्व जो चाहे मृदा में मौजूद हो चाहे जल में मौजूद हो किसी न किसी प्रकार से, जैसे क्षारीय पदार्थ है, NaCl लवण है, ये किसी न किसी प्रकार से आयोडीन है, ये हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, तो अजैविक घटकों की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं इसी अजैविक घटकों में मृदा, मृदा जो कि एक महत्वपूर्ण जैविक घटक अजैविक घटक है। जितने भी पौधे होते हैं वो मृदा में ही पनपते हैं, तो यह विशेष रूप से जीवों को प्रभावित करने वाला घटक है। अजैविक घटकों में तापमान, इसके अलावा प्रकाश और साथ ही साथ में वायुमंडल की आर्द्रता, इससे तात्पर्य हम वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा भी समझ सकते हैं। तो ये पारितंत्र की संरचना का पहला घटक जिसको हम कहते हैं अजैविक घटक है।
अजैविक घटक के अलावा संरचना में जो दूसरा घटक जो आता है वो है जैविक घटक, यानी पारितंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव, चाहे वो हम है, चाहे वो छोटे जंतु हैं, छोटे पादप हैं, बड़े जंतु हैं, बड़े पादप हैं, वे सभी मिलकर जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे जीव हैं। और जैविक घटकों में जो सबसे पहला नाम आता है, यदि हम बात करें जैविक घटकों के प्रकारों की बात, तो जैविक घटकों के प्रकारों में सबसे पहला जो नाम आता है स्वपोषी का आता है। स्वपोषी से तात्पर्य है कि वे जैविक घटक जो कि वातावरण में, या ये कह सकते हैं कि वे जैविक घटक जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, उनको हम कहते हैं स्वपोषी घटक। स्वपोषी घटक का जब नाम आता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वे भोजन का निर्माण करते हैं, तो इसमें पादप आते हैं, यानी जितने भी पादप है, खासतौर से सभी पादप, वे स्वपोषी घटक के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु या नील हरित शैवाल होते हैं जो कि इस स्वपोषी घटक के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वपोषण का गुण रखते हैं। दूसरे आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता ऐसे जैविक घटक होते हैं जो कि खुद अपना भोजन नहीं बनाते, क्योंकि स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं, अतः उपभोक्ता स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। और जो उपभोक्ता के अंतर्गत जो घटक आते हैं वे हैं खास तौर से जितने भी जंतु हैं। जंतुओं में हम अपना भी नाम ले सकते हैं, तो और आसपास जितने भी जंतु हैं उनका भी नाम ले सकते हैं, यानी जो पौधों पर निर्भर है। अब ये पौधों पर या स्वपोषी पर प्रत्यक्ष रूप से भी निर्भर हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर भी। जैसे हम बात करें शाकाहारी प्राणी, जैसे गाय है, वह प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर है। लेकिन अगर हम बात करें मांसाहारी प्राणी, जैसे यदि शेर की बात करें या फिर जैसे बिल्ली कुत्ते आदि की बात करें, तो ये जो मांसाहारी प्राणी जो होते हैं ये सब अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर, प्रत्यक्ष रूप से भोजन नहीं ग्रहण करते। इसके अलावा जैविक घटकों में जो तीसरा नाम आता है वो है अपघटक। अपघटक से तात्पर्य है अपघटन करने वाले, यानी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु और कवक खास तौर से, वे अपघटक कहलाते हैं, वे अपघटन का कार्य करते हैं। जब ये स्वपोषी यानी पादप या फिर जैसे उपभोक्ता यानी हम या अन्य जंतु जब मर जाते हैं, और मर जाने के पश्चात ये जो अपघटक यानी सूक्ष्म जीव है उनके शरीर का अपघटन करते जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उनके शरीर के अंदर मौजूद जितने भी पदार्थ है उनको पुनः वायुमंडल में विमुक्त कर देते हैं, एक तरह से वातावरण को साफ करने वाले होते हैं ये अपघटक। जब हम बात करते हैं पारितंत्र के आगे, तो पारितंत्र में आगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का भी अध्ययन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला से तात्पर्य यह है कि हम जानते हैं पारितंत्र में विभिन्न घटक पाए जाते हैं, खास तौर से जो जैविक घटकों की जब बात करते हैं, तो जैविक घटकों में हमने देखा था कि जो पादप हैं वे स्वपोषी घटक के अंतर्गत आते हैं, और स्वपोषी घटक जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और उन्हें ग्रहण करने वाले जो हैं वे उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि पारितंत्र में जितने भी जैविक घटक जो होते हैं वे भोजन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला बना लेते हैं, और इस श्रृंखला को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। यानी खाद्य श्रृंखला से तात्पर्य है पारितंत्र में विभिन्न पाए जाने वाले जैविक घटक परस्पर आपस में मिलकर भोजन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला बना लेते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जो पौधों के अंदर जो संचित ऊर्जा है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आती है, वह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में पहुंचती है। जिसे यहाँ पर देखा जाए तो पादप जो है, पौधे जो है, उनको अगर देखा जाए कीट यानी टिड्डा भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो टिड्डे को मेंढक भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और मेंढक को देखा जाए तो सांप भोजन के रूप में ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती ही जाती है, तो यह एक खाद्य श्रृंखला हो गई। लेकिन यह जो पारितंत्र है इसमें केवल एक ही खाद्य श्रृंखला नहीं होती, कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में पारितंत्र में जो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं वे मिलकर एक जाल का निर्माण कर लेती हैं, और इस जाल को हम कहते हैं खाद्य जाल।
खाद्य जल होने से सबसे बड़ा फायदा यही है कि किसी भी पारितंत्र का स्थायित्व तो बना रहता है, क्योंकि अगर कोई भी पारितंत्र माना जाए, चाहे वो घास का मैदान हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो समुद्र हो, हर पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो घास को टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज, और यदि देखा जाए तो बाज को भी शेर खा सकता है। और इसी प्रकार से यहाँ देखा जाए तो घास को चूहा, चूहे को सांप और सांप को बाज खा रहा है। इसी और अगर श्रृंखलाएं देखे तो घास को खरगोश, खरगोश को लोमड़ी और लोमड़ी को शेर खा रहा है। और यहाँ देखा जाए तो घास को हिरण और हिरण को सीधे शेर खा रहा है। तो यानी एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद हैं और वे मिलकर एक जाल बना लेती हैं और उस जाल को ही कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर एक ही खाद्य श्रृंखला हो तो उसमें कोई एक जीव अगर गायब हो जाता है तो वो पारितंत्र समाप्त हो सकता है, लेकिन खाद्य जाल में ऐसा संभव नहीं है। अगर एक श्रृंखला नहीं है तो भी दूसरी श्रृंखलाएं तो चलती ही रहती है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को पढ़ने के पश्चात अब हम बात करते हैं जो हमारे पर्यावरण में, खास तौर से हमारा पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर पाया जाने वाला वह आवरण जिसमें हम जी रहे हैं। तो इस आवरण में, हमारे पर्यावरण में हमारे कारण कई ऐसी गतिविधियां जो उत्पन्न हो रही है जो कि किसी न किसी प्रकार से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। जैसे हमने बात की प्रदूषक की, ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं खास तौर से मानव के क्रियाकलाप के कारण एक सबसे बड़ी समस्या, जो वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, ओजोन परत का नष्ट होना यानी ओजोन परत का क्षरण। हम जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है वायुमंडल, और उस वायुमंडल में ही एक परत पाई जाती है जिसे कहा जाता है ओजोन परत। ओजोन परत जो कि ओजोन गैस से बनी होती है, और यह ओजोन परत जो है मानव की क्रियाकलाप से उत्पन्न एक विशेष रसायन, खास तौर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? वास्तव में हम जो घरों में रेफ्रिजरेटर या वातानुकूलित एसी आदि का इस्तेमाल करते हैं या फोम गद्दे आदि का जो इस्तेमाल करते हैं उनमें विशेष रूप से एक रसायन का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसी न किसी तरीके से रेफ्रिजरेशन, एसी आदि के द्वारा निर्मुक्त होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है और वायुमंडल में पृथ्वी के जो ऊपर पाई जाने वाली खास परत ओजोन परत को धीरे धीरे समाप्त करता जा रहा है। यह ओजोन परत वास्तव में क्या कार्य करती है? यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा का कार्य करती है, और वो पराबैंगनी किरणें जिन्हें रोकती है, यदि यह पृथ्वी पर पहुंचती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है, साथ ही साथ त्वचा में कैंसर भी उत्पन्न होता है। लेकिन यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है तो ओजोन परत धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, पतली होती जाती है, कम होती जाती है, और जिसके कारण वो जो पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाती है। इसका एक उदाहरण खास तौर से ओजोन परत का अंटार्कटिक में खास तौर से एक छिद्र बना हुआ है जो धीरे धीरे अब बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पर्यावरण में खास तौर से प्रदूषक, पारितंत्र और मानव के क्रियाकलाप जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं